दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मंतेश सिंह गौड़ और आज की इस वीडियो में हम जैपनीज XF9 टर्बोफैन इंजन के बारे में बात करेंगे। इस एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर वीडियो बनाने का सजेशन आप लोगों ने ही दिया था, तो इसलिए मैंने इस इंजन के ऊपर वीडियो बनाने का फैसला किया है। जापान ने अपना XF9 टर्बोफैन इंजन बनाया है। ये इंजन इतना पावरफुल है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले हाई पावर इंजन के साथ कंपेरेबल है और कुछ मामलों में तो उससे भी बेहतर है। ये इंजन इतना खास इसलिए है क्योंकि जापान ने इससे पहले इतनी कैपेसिटी वाला इंजन कभी नहीं बनाया था। जापान ने इससे पहले एक छोटा XF5 इंजन बनाया था जिसका थ्रस्ट बहुत कम था। इस इंजन को लेकर वेस्टर्न एनालिस्ट और चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जापान हाई कैपेसिटी वाला इंजन नहीं बना सकता और कुछ मामलों में तो जापान का इसके लिए मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन जापान ने एक नया इंजन और एक हाई पावर इंजन बनाकर ये दिखा दिया है कि जापान की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है। जापान ने इससे पहले जो XF5 इंजन बनाया था वो हमारे कावेरी ड्राई इंजन के साथ कंपेरेबल है, तो इसीलिए ये इंजन प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना खास हो जाता है क्योंकि जापान भी हमारे जैसी स्थिति में ही था। लेकिन बाद में जापान ने ऐसा काम कर दिखाया है जो कोई भी और देश इतने कम समय में नहीं कर पाया है। तो चलिए इस इंजन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। जापान का IHI XF9 एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि जापान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और IHI कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। जापान ने इससे पहले एक एल्टा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे कि फाइटर इंजन सिस्टम के ऊपर रिसर्च के लिए शुरू किया गया था। इसी प्रोजेक्ट में जो रिसर्च की गई थी उसी के इस्तेमाल से अब XF9 इंजन को बनाया गया है। इससे पहले जापान ने एक XF5 टर्बोफैन इंजन की डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। इसकी डेवलपमेंट का काम 1995 में शुरू किया गया था और इसकी डेवलपमेंट 2008 में कंप्लीट हुई थी। जापान अपने मित्सुबिशी F2 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहता है। इसे रिप्लेस करने के लिए जापान अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट तो खरीद रहा है, लेकिन जापान की रिक्वायरमेंट F-35 एयरक्राफ्ट पूरी तरह पूरी नहीं कर पा रहा है। जापान को एक F-22 रैप्टर जैसे हैवी वेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है और अमेरिका F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट को किसी भी देश को नहीं बेचता है। यही कारण है कि जापान ने अभी एक F-22 रैप्टर जैसा ही एक F-3 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है जो कि एक हाई कैपेसिटी और हैवी वेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि ये एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इसके लिए मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब इस इंजन के बारे में जानते हैं। इस एयरक्राफ्ट इंजन को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एक स्लिम और हाई पावर इंजन बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो कि छोटा हो लेकिन हाई पावर वाला हो। इसे छोटा बनाने का कारण ये है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में वेपनरी को अंदर कैरी किया जाता है और फ्यूल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ही कैरी करने की कोशिश की जाती है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि अगर कोई इंजन छोटा होगा तो किसी एयरक्राफ्ट में ज़्यादा फ्यूल कैरी करने और वेपनरी कैरी करने की कैपेसिटी होगी। इसीलिए जापान का ये इंजन इतना खास है कि ये इंजन छोटा भी है और ज़्यादा पावर भी जनरेट करता है। ये अमेरिका के हाई पावर्ड इंजन के साथ कंपेरेबल है जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं। इससे पहले जो जापान ने XF5 इंजन बनाया था वो एक छोटा इंजन था, लेकिन जो अब जापान ने XF9-1 इंजन का प्रोटोटाइप दिखाया है वो जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन के साथ साइज में कंपेरेबल है और वो प्रैट एंड व्हिटनी के F119 इंजन के साथ थ्रस्ट क्लास में कंपेरेबल है। ये अमेरिका के प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन की सेम थ्रस्ट क्लास वाला है। जापान का ये इंजन हाई थ्रस्ट जनरेट करता है और इसके साथ ही ये फ्यूल भी कम खर्च करता है। 2018 तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये इंजन 107 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 147 kN का वेट थ्रस्ट यानी कि आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है। XF9 इंजन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसे अलग अलग लेवल के थ्रस्ट के लिए अडेप्ट किया जा सके, जो कि कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसे रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया जा सकता है। और अभी जो जापान एक फ्यूचर फाइटर इंजन प्रोग्राम चला रहा है उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 196 kN रखा गया है, यानी कि जापान का गोल ये है कि वो 196 kN थ्रस्ट वाला इंजन बनाए। तो चलिए अब इस इंजन के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। XF9-1 इंजन एक ट्विन स्पूल एक्सियल फ्लो आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है जिसमें 3-स्टेज फैन लगा हुआ है और एक 6-स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर लगा हुआ है। इसमें एक एनुलर टाइप कंबस्टर है और एक सिंगल स्टेज हाई प्रेशर टर्बाइन है और एक सिंगल स्टेज लो प्रेशर टर्बाइन है, एक आफ्टर बर्नर है और एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है। इस इंजन का एक और फीचर ये भी है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट
जो कि ड्यूल इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला है, उसमें अगर XF91 इंजन लगाए जाएं तो एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट 360 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर इसे हम पहले से मौजूद फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग का F-15E एयरक्राफ्ट और लॉकहीड मार्टिन का F-22 और लॉकहीड मार्टिन का F-35 एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करें तो ये उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। F-15 एयरक्राफ्ट 76 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट 130 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और F-35 एयरक्राफ्ट 160 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आउटपुट के साथ ये एयरक्राफ्ट नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स और दूसरे हाई पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट को लेकर उड़ पाएगा। इतने हाई कैपेसिटी इंजन के साथ जापान का F-3 एयरक्राफ्ट हाई पावर्ड लेजर्स का भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो चलिए अब इस इंजन की डेवलपमेंट की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 1995 में XF-5 इंजन की डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया था, जिसकी डेवलपमेंट 2008 में कंप्लीट हुई थी। 2010 में एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन के मेन कंपोनेंट्स के ऊपर रिसर्च शुरू की गई। उसके बाद 2013 में फाइटर इंजन एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च शुरू की गई और जुलाई 2017 में कोर इंजन की डिलीवरी की गई। उसके बाद 2018 में XF91 इंजन का एक प्रोटोटाइप बनाया गया और उसे डिलीवर कर दिया गया। लेकिन अगर हम हमारी कावेरी इंजन डेवलपमेंट और जापान के इस इंजन की डेवलपमेंट को कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करना इतना सही नहीं होगा, क्योंकि जापान एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। जापान का इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग है कि उसके पास ऐसी मटेरियल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो बहुत कम समय में ऐसे इंजन डेवलप कर पाए। और इसके साथ ही जापान के लिए एक एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलप करना नई बात नहीं है। जापान की IHI कॉरपोरेशन बहुत लंबे समय से टर्बोफैन इंजन्स को डेवलप कर रही है। हालांकि वो फाइटर जेट्स के लिए नहीं थे, वो दूसरे कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए थे, लेकिन फिर भी जापान के पास ऐसे एयरक्राफ्ट इंजन्स को बनाने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले से था। लेकिन वहीं हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश ने इससे पहले कोई भी एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप नहीं किया था। जापान जो अपना F-3 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है वो F-22 एयरक्राफ्ट की क्लास का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35 टन से ज़्यादा होने वाला है और ये हैवी क्लास स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में होगा। जापान ने अपना मित्सुबिशी X-2 शिनशिन एयरक्राफ्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर बनाया था। 2016 में इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार उड़ान भरी थी। इसे F-3 प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजीज के टेस्ट बेड के तौर पर बनाया गया था। जो टेक्नोलॉजीज F-3 प्रोग्राम में लगाई जानी थी उसे इस एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया गया था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का वेस्टर्न और चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट ने बहुत सारा मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि जापान ने इस एयरक्राफ्ट में एक लो कैपेसिटी का XF-5 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया है, जो कि मुश्किल से 49 kN का वेट थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था। लेकिन बाद में जब जापान ने अपना XF-9 इंजन डेवलप कर उसका प्रोटोटाइप भी बना लिया, तब जापान ने बाकी सभी देशों को शॉक कर दिया था। जापान की IHI कॉरपोरेशन बहुत लंबे समय से लो बाईपास टर्बोफैन इंजन्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। जापान ने ऐसे टर्बोफैन इंजन्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम 1970s में ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने अपना बेसिक F-3 IHI 30 इंजन्स डेवलप किए थे, जो कि 16.32 kN की पावर जनरेट करते थे। इस इंजन को उन्होंने अपने T-4 सबसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए डेवलप किया था। इसके बाद उन्होंने एक 30 kN कैपेसिटी वाला XF-3 400 इंजन डेवलप किया था। इसके बाद उन्होंने XF-5 49 kN थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप किया था और उसके बाद उन्होंने एक F-7 60 kN इंजन डेवलप किया था, जो कि जापान के कावासाकी P-1 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को पावर करता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 60 kN से ज़्यादा थ्रस्ट वाला कोई भी इंजन डेवलप नहीं किया था। यही कारण था कि जब जापान ने एक इंडिजिनस इंजन बनाने का काम शुरू किया, तब उनका बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ने मजाक भी उड़ाया था। आप कह सकते हैं कि दूसरे डिफेंस एनालिस्ट ने उनका क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन वो क्रिटिसिज्म ऐसा लग रहा था जैसे कि जापान का मजाक उड़ाया जा रहा हो। लेकिन जहां पर हमारे कावेरी प्रोजेक्ट के लिए भी हमें एक सीख लेने की जरूरत है, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि हमारे कावेरी इंजन के फेलियर का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि हमें एक हाई कैपेसिटी इंजन को बनाने का काम दे दिया गया था, लेकिन इससे पहले हमारे पास इससे छोटी कैपेसिटी वाले इंजन को डेवलप करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जैसा कि आप जापान के केस में देख सकते हैं कि जापान ने जब इंजन के डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, तब उन्होंने बहुत छोटे 16 kN के इंजन से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 30 kN का इंजन बनाया, उसके बाद उन्होंने 50 kN थ्रस्ट वाला इंजन बनाया और उसके बाद उन्होंने 60 kN का थ्रस्ट वाला इंजन बनाया।
और उसके बाद इन्होंने एक हाई कैपेसिटी इंजन बनाया, जिससे धीरे धीरे उनकी टेक्नोलॉजी भी मैच्योर होती गई और उन्हें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी मिलता रहा। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। जब हमने हमारे कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को शुरू किया, तब हमने जो लो कैपेसिटी वाले इंजन बनाए थे वो बहुत देर पहले बनाए थे, और इसके बाद एकदम से GTRE को एक हाई कैपेसिटी इंजन को बनाने का काम दे दिया गया। अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन यही होता कि पहले लो कैपेसिटी वाले इंजन बनाए जाते और इसके बाद हाई कैपेसिटी इंजन का काम शुरू किया जाता। लेकिन इस गलती को अब हमारी गवर्नमेंट और GTRE ठीक कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने GTRE को एक लो कैपेसिटी वाला 52 kN थ्रस्ट वाला ड्राई कावेरी इंजन बनाने का काम दिया है, जो कि हमारे स्टेल्थ UAVs में लगाया जाएगा। इसके बाद ही हमारा देश हाई कैपेसिटी वाले इंजन्स की ओर बढ़ेगा और हाई कैपेसिटी वाले इंजन्स को बनाएगा। अभी जो हमारा कावेरी इंजन है उसने 83 kN का वेट थ्रस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये मॉस्को में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और इसके बाद फ्रांस की साफ्रान ने इस इंजन को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए सर्टिफाई कर दिया था, यानी कि अब इस इंजन को एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जा सकता है और उसे टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 83 kN के थ्रस्ट के साथ भी ये इंजन LCA तेजस एयरक्राफ्ट में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि LCA तेजस की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अभी भी कावेरी इंजन को रिवाइव किया जा सकता है अगर इस इंजन की डिवेलपमेंट में दूसरी एजेंसीज को भी लगाया जाए और एडिशनल मैन पावर को भी दिया जाए, और इसके साथ ही GTRE में थोड़ी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी किए जाएँ। इसके बाद हम 110 kN से लेकर 125 kN के थ्रस्ट वाले इंजन को बना सकेंगे। एक सक्सेसफुल कावेरी इंजन हमारे MCA प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही हमारे अपकमिंग घातक UCAV मीडियम वेट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू, नेवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवल MCA प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे कावेरी इंजन के दूसरे स्पिन ऑफ इंजन्स को दूसरे छोटे टर्बोफैन इंजन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे कि हम दूसरे मिलिट्री कार्गो और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में लगा सकते हैं। इसके साथ ही अभी कावेरी इंजन के लिए फ्यूचर और भी आसान हो गया है, क्योंकि हमारे देश में कावेरी इंजन का एक टेस्ट बेड बनाने के लिए भी फंडिंग रिलीज कर दी गई है, और हमारे देश में एक एयरक्राफ्ट इंजन की टेस्टिंग के लिए भी अब फैसिलिटीज तैयार हो जाएंगी। अगर एक बार कावेरी इंजन की डेवलपमेंट को फिर से शुरू कर दिया जाता है तो हम इसे Sukhoi-30MK एयरक्राफ्ट में लगाकर टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में रशिया के AL-31F इंजन और RD-33 इंजन के साथ मिली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हमने Sukhoi-30MK एयरक्राफ्ट रशिया से खरीदा था, तब हमें उनसे थोड़ी बहुत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली थी, जिससे कि हम इस इंजन की डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि हमारा देश रशिया से मिली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाया है, जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।